नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो Svtuition। सभी सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक्स देता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तथा जिन्होंने भी इस चैनल के वीडियोस को देखा। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं Svtuition का 12वां जन्म दिवस 19 जनवरी 2008 को मैंने काम स्टार्ट किया था तथा आज है 19 जनवरी 2020 तथा Svtuition 12 साल का हो गया है यंग। तो उसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उसका थैंक्स, उस परमात्मा का थैंक्स। सबसे पहले 19 जनवरी 2008 को मैंने पहला वीडियो बनाया था टैली 7.2 का। उसके बाद बहुत सारे वीडियोस बनाए तथा मैंने जो ऑनलाइन का काम है स्टार्ट किया था तथा अप एंड डाउन चैनल में आए, मेरे ऑनलाइन काम में आए, बहुत सक्सेस भी प्राप्त किया, बहुत ही फेलियर भी प्राप्त किया तथा एंड में मैंने सब कुछ सीखा। तो आज इसी विषय में बात करते हैं कि जिंदगी में हम जो फेलियर है, असफलता है, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इसमें मैं अपनी लाइफ का कुछ आपको कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम जो हैं ह्यूमन बीइंग है मिस्टेक्स करते हैं, फिर मिस्टेक्स करते हैं तथा फेल होते हैं तथा फेल जो पास्ट फेल होता है उससे हम सीख के आगे जाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो दुनिया में फेल ना हो। फेलियर इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू बेटर वे। अगर आप जिंदगी में फेल हो गए हो तो यह तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है नए काम को नए तरीके से करना तथा सफल हो जाना। 18 सितंबर 2015 की बात है, 7 साल हो गए थे Svtuition चैनल को, Svtuition की कम्युनिटी को, वेबसाइट्स को, मेरी ऑनलाइन काम को। तो इस काम का जो भी सोर्स था वो गूगल एडसेंस था। गूगल एडसेंस मीन्स एक गूगल एड्स होती है, गूगल एडसेंस होता है। क्या होता है कि यूट्यूब पे जितने भी एड्स चलती हैं 50% गूगल रखता है तथा 50% जो पब्लिशर्स होते हैं उनको मिलता है। आज के टाइम में 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देखने चाहिए। तो 18 सितंबर 2015 को मेरे को इंफॉर्मेशन मिला कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बंद हो गया है। मीन्स दैट टाइम आई एम अर्निंग 2,50,000 पर मंथ, 2,50,000 पर मंथ इनकम आ रही थी पर मंथ। तो बंद हो गया तो उसकी क्या वजह थी? उन्होंने कहा कि कॉपीराइट वॉयलेट हो गया है, वॉयलेशंस हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया जो आपको बताना चाहूंगा, आई एक्सेप्ट इट। कुछ भी हो आप 20 लाख से जीरो पे आ जाओ, एक्सेप्ट इट। आप 2,50,000 मेरी तरह कमा रहे हो तथा आपका बिजनेस फेल हो गया, आपकी जॉब चली गई, एक्सेप्ट इट, स्वीकार कीजिए। हो सकता है जिंदगी में अप एंड डाउन है, हो सकता है। जब आप स्वीकार कर लेते हो तो आपका मन शांत हो जाता है, अशांति नहीं आती उसमें, जो स्ट्रेस लेवल होता है वो शांत हो जाता है तथा अपने आप में हमने यह डिसाइड करना है कि ठीक है मेरा 2,50,000 पर मंथ था स्टॉप हो गया, बट मैं अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकता हूं। तो मैंने इसको एक मौके की तरह देखा
कि भगवान इससे भी ज्यादा हमें देगा अपने जो अपने एफर्ट्स के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए। तो सेकंड जो स्टेप मैंने उठाया था वो है थिंक पॉजिटिव। मीन्स आपने जिंदगी में थिंक पॉजिटिव करना है। मैंने अप्लाई किया गूगल एडसेंस को, नहीं रिस्पॉन्स आया, कोई बात नहीं। फिर मैंने थिंक पॉजिटिव किया कि एसट्यूशन में मैंने क्या क्या काम किया था। आपने देखा कि मैंने बहुत सारे वर्क्स किए। तो जो पहला वर्क्स था मेरा, वीडियो सुपरहिट हुआ था कार ड्राइविंग का, तो मैंने एक चैनल और बना दिया कार ड्राइविंग का, आई एम लवर ऑफ नॉलेज। कार्ड में देख सकते हो उस चैनल का लिंक, या नीचे देख सकते हो लिंक दिया हुआ है। तो उस चैनल में मैंने हार्ड वर्क किया लगभग एक साल, तथा पार्टनरशिप बनाई थी मैंने जो मल्टी चैनल होते हैं उनके साथ, तो अच्छा चला था। बाद में पॉलिसी चेंज हुई, बट आई थिंक पॉजिटिव। तो फिर मैंने एक कंपनी बनाई। आई थिंक आई लेसन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। तो उस कंपनी का मैंने गूगल एडसेंस अकाउंट अगेन लिया। अब आई एम लवर ऑफ नॉलेज चला। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी स्किल देखी कि बहुत सारे टैलेंट व्यक्ति होते हैं जो यूट्यूब पे नहीं आ सकते अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से। मैं उनको लेके आया बहुत सारे लोगों के साथ, फिर से पार्टनरशिप स्टार्ट की। तो मैंने एक और चैनल बनाया, इंडियन टैलेंट अकेडमी। आई एम थिंकिंग पॉजिटिव कि अगर मैं फेल हो गया हूं तो दोबारा मैं सफल हो सकता हूं, क्योंकि मैं पहले सफल हुआ था, फिर फेल हो गया, फिर सफल हो सकता हूं। ऐसे ही आपने करना है। अगर आप कोई आपको एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गए, उठ नहीं सकते, तो स्टार्टिंग, आप 1 किलो वजन भी नहीं उठा सकते, तो स्टार्टिंग 50 ग्राम 10 ग्राम डेली आप अभ्यास कीजिए। बी पॉजिटिव, आप वैसे के वैसे सक्सेसफुल हो सकते हो जैसे पहले थे। तो उसके बाद इंडियन टैलेंट अकेडमी, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मिला, हमने काम स्टार्ट किया तथा बहुत चल गया। फिर एक वीडियो था किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट, 2005 में मैंने आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन नेचुरोपैथी। तो 2005 में मैंने अपने सिटी में भी हॉस्पिटल खोला था। तो मैंने यही सोचा कि वाई इसको इसमें कंट्रीब्यूट करूँ, जो मेरी स्किल है, जो मुझे नॉलेज है, तो उसके ऊपर मैंने फोकस दिया। यानी पॉजिटिविटी में आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस देते हो। एंड आई स्टार्ट स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ऑनलाइन। आई बाय इट्स डोमेन sdnhospital.com, तथा उसके ऊपर काम स्टार्ट करना कर दिया। लगभग आज 250 वीडियो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल यूट्यूब के चैनल के हैं, उसका लिंक यहाँ देख सकते हो। इंडियन टैलेंट अकेडमी में अब 400 वीडियोस हो गए हैं, यानी कितने हो गए, 200, 400, 650। तथा आई एम लवर ऑफ नॉलेज में भी 300 वीडियोस हो गए हैं। तो लगभग 18 सितंबर 2015 से आज 19 जनवरी 2020 तक आई एम वर्किंग। तथा आपको एक रास्ता मिलना चाहिए। आपका पर्सनल अकाउंट क्लोज हुआ, साथ ही साथ आप कंपनी का अकाउंट क्लोज के लिए अप्लाई कीजिए। आई विल ट्राई, बट इसमें एक साल लगा था कि मुझे प्रिपेयर करना है। 2015 से 2016 तक मैंने तैयारी की थी। ओके, तो उसी तरह आप भी कर सकते हो। एंड यू गेट ए रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम, तथा आप अपने अपने टैलेंट के ऊपर फोकस कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने सेल परचेज का काम भी स्टार्ट किया था। आप देख रहे हो ना कि पॉजिटिव थिंकिंग से क्या है कि मैंने पहले मैं सेल परचेज के ऊपर फोकस नहीं था, अब मैंने क्या ई बुक्स को सेल करना स्टार्ट किया। एंड आई गेट ए सक्सेस, वहां से काफी सफलता मिली जहां मैं सोच भी नहीं सकता था। तो वो ई जर्नल एंटी मेड इजी ई बुक काफी सेल की मैंने। एंड आई गेट ए पेमेंट गेटवे, एंड आई इन्वेस्ट मनी इन द एडवर्टाइजमेंट। उल्टा गूगल को आई एम गिविंग द मनी थ्रू गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। तो इस तरह से सक्सेस धीरे धीरे
वापस उसी प्लेटफॉर्म पे आना आदमी स्टार्ट हो जाता है, कोई भी मुश्किल नहीं है। एक्सेप्ट करो, अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लो, हो गया अब मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे ऊपर चलते जाओगे। उसके बाद सेकंड, थिंक पॉजिटिव, हर समय आपने पॉजिटिव सोचना है, हाँ ये हो सकता है। एंड थर्ड जो स्टेप उठाया कि मैंने नेगेटिव थिंक करना स्टॉप कर दिया। अब आप कहोगे कैसे हो सकता है, जब फेल होते हो तो वरी स्टार्ट हो जाता है आपके अंदर, फ्यूचर के संबंध में डर आना स्टार्ट कर दिया। तो आई डू द मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो आई ब्लैंक माई माइंड बॉक्स, मैं उसको खाली कर देता हूँ, उस मन के डब्बे को खाली कर देता हूँ, तो उसमें से डर खत्म हो जाते हैं। आई नेवर थिंक, अग्रेसिव नहीं होता, एंगर नहीं रखता तथा हेट के थॉट्स नहीं लेके आता। आई थैंकफुल टू गूगल एडसेंस, उसने बहुत अच्छा किया कि मुझे फेल कर दिया, मेरा अकाउंट बंद कर दिया। अगर वो ना करते तो जहां मैं था वहां नहीं आ सकता था। तो आपको ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा, ताकि फेलियर आपके लिए सक्सेस बन जाए। ओके, तो धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को आपने खत्म करना, अपनी नेगेटिविटी को खत्म करना है। एंड फोर्थ, सेट अगेन स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल्स मैंने स्टार्ट किए। मैंने वैसे ही, इवन आई एम अर्निंग जीरो, कुछ भी नहीं था, 8 सितंबर 2017 को जितना भी हार्ड वर्क था, 3000 कंटेंट्स थे मेरे वेबसाइट्स में, जहां एड्स चलती थी, जहां Svtuition चैनल का था, उसमें सभी एड्स खत्म हो गई। आई एम अर्निंग गूगल एडसेंस अर्निंग 2,50,000 पर मंथ से जीरो पे हुई। Then I set a goal and I give a personal services. मैं patients का personal इलाज करने लग गया, तो वहां से income आई, direct income. I sell, I get a good sale. मैंने Flipkart में account खोला। I never depend on any company. यानी failure होने से आपने शक्ति बढ़ जाती है तथा धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपकी जॉब छूट गई है, स्टार्ट ए स्मॉल गोल और डूइंग योर स्मॉल बिजनेस, तो स्मॉल बिजनेस से धीरे धीरे बड़ा बिजनेस हो सकता है। ओके, तो यह है आपके हो गए 4 पॉइंट। पांचवा है नेवर गिव अप, जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करना, ट्राई ट्राई, आपका जो जीवन होता है ना ठीक, उसमें कभी भी गिव अप ना हो, हारना नहीं है। आप देखते हो दरख्त, हम उसको कुल्हाड़ी से एक ठोकते हैं, दो ठोकते हैं, 10 ठोकते हैं, वो कटता नहीं है, बट अगर हम काटते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है वो कट जाता है। ऐसे ही हमारी जीवन है, आई विल ट्राई 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 एंड आई गेट ए सक्सेस। आप भी ट्राई कीजिए। ओके, तो जैसे आप स्विमिंग सीखते हो, सीखते जाइए, ड्राइविंग सीखते हो, सीखते जाइए, बहुत बार फेल होंगे आप, कुछ भी जिंदगी में आया उसमें फेल होना आवश्यक है। ओके, एंड सिक्स्थ जो है, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, आई चेंज द वे ऑफ वर्किंग, मैंने काम करने का तरीका बदल दिया। रात को ज्यादा देर काम करने के बजाय 7 बजे सोना, सुबह 3 बजे उठना, यह नियम, अच्छी आदतें वो बनाना स्टार्ट कर दिया। चेंज बैड हैबिट्स विद गुड हैबिट्स, तो यह सीक्रेट है मेरी सक्सेस का, जो आज 12वें जन्मदिन दिवस पे आपको शेयर कर रहा हूं। एक बार फिर आपको बता देता हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी में से फेल को हटाना है, फेलियर से सक्सेस को प्राप्त करना है, उसको फेलियर को ओवरकम करना है, तो आपको 6 चीजें चाहिए। नंबर 1, के एक्सेप्ट करो जो भी जिंदगी में फेल हो गया है, कुछ भी उसको एक्सेप्ट कर लो, उससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरा, थिंक पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं सोचना, थिंक पॉजिटिव सोचते जाइए, छोटे छोटे स्टेप्स लेते लेते थिंक पॉजिटिव सोचिए कि अच्छा हुआ है, अब मैं अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता हूं, इसकी वजह से मुझे आगे, अगर इसकी वजह से मैं फेल ना होता तो आज मैं यहां ना होता। तीसरा,
स्टॉप योर नेगेटिव थिंकिंग, उसको हटा देना है आपके अंदर का एंगर, आपके अंदर का डर, आपके अंदर की वरीनेस, एंजाइटी, उसको हटाना है। उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, सांस के ऊपर फोकस कीजिए, तथा इसके अलावा आपको जो है स्मॉल गोल सेट करते जाना है, उसके ऊपर एक्शंस लेने हैं, तथा अपने अचीवमेंट्स को फील करना है। मैंने भी फील किया, अगर मैं पहले 2,50,000 कमा सकता था पर मंथ, तो आज मैं 5,00,000 पर मंथ भी कमा सकता हूं। बिग गोल को एक्सेप्ट कीजिए, अपने अचीवमेंट को एक्सेप्ट कीजिए एंड गो टू फॉरवर्ड, ओके। उसके अलावा आपको नेवर गिव अप करना, जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करना, एंड चेंज योर स्ट्रेटेजी। जैसा है वैसा होने से आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी, उसको बदलना है लाइफ को, ओके। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल Svtuition को सब्सक्राइब कर दो, दूसरे जो मेरे चैनल हैं उनको भी सब्सक्राइब करो, ऐसा ज्ञान आपको मिलता रहेगा, ओके, ऐसा ज्ञान मिलता रहेगा। तथा आपने इस वीडियो को लाइक तथा शेयर नहीं किया, लाइक तथा शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटे को ऑन कर दीजिए, ताकि Svtuition के जो मेरे न्यू वीडियोस हैं, क्योंकि यह फ्री ऑनलाइन वर्चुअल स्कूल है, टोटली अब तो ये फ्री है, नो एड्स, सिर्फ आपको जो ज्ञान है जो मैंने लाइफ से सीखा आपको देना चाहता हूं। तथा आपका कोई भी कमेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए, मेरा नीचे या Svtuition का व्हाट्सएप नंबर है, वहां आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो मेरे ग्रुप में Svtuition के। तथा मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी उसमें सोशल मीडिया में हैं, उसके लिंक्स दिए हैं, वहां मेरे से बात कर सकते हो सीधी, कोई भी आपका लाइफ के साथ कोई भी इशू हो, ओके। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तथा मेरे साथ पिछले 12 सालों से आप कनेक्ट हुए, थैंक यू।